الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن سن بسنته إلى يوم الدين أما بعد برادران الإسلام नौजवानान मिल्लत ख़वातीन से क़ब्ल उम्महातुल मुमिनीन में उम्मुल मुमिनीन खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा और उम्मुल मुमिनीन सौदा बिन्त जमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा दोनों के ताल्लुक से तफसीली मालूमात आपके सामने पेश किए जा चुके हैं। प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खदीजा और सौदा रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा के बाद आपने जिनसे निकाह किया वो उम्मुल मुमिनीन आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु ताला अन्हा। उम्मुल मुमिनीन का नाम आयशा। बसा औक़ात प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम प्यार भरे लहजे में आयश कहकर पुकारा करते थे। लक़ब सिद्दीका मसरूक इब्नुल अजदा रहिमहुल्लाह जिन्होंने आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से हदीसों को सीखा, हदीसें लीं। जब भी वो हदीस बयान करते, जब वे हदीस की रिवायत करते तो कहते हद्दथतनी आयशा अस्सिद्दीका बिन्तु सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हा कि मुझे हदीस बयान की, मैंने ये हदीस सुनी उम्मुल मुमिनीन आयशा से जो खुद भी सिद्दीका है और सिद्दीक की बेटी है। और ये लक़ब उम्मत में मुहद्दिसीन में बहुत मशहूर हुआ। अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को ये लक़ब अल्लाह की जानिब से मिला। प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अबू बकर के लिए इस लक़ब का इस्तेमाल किया सिद्दीक। मुअर्रिखीन ने उसका सबब बयान करते हुए कहा कि अबू बकर को सिद्दीक से मुलक्कब किए जाने की वजह यह है कि प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब इसरा और मेराज तशरीफ ले गए, रात के कुछ हिस्से में काबतुल्लाह से बैतुल मक़दिस तशरीफ ले गए, वहाँ से सातों आसमानों की सैर की और रात के उसी हिस्से में फिर दोबारा आप वापस आ गए। जब अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने इस वाक़े का तज़किरा मुसलमानों के सामने किया, कुफ्फार मक्का के सामने इसका जिक्र हुआ, कुछ वो लोग जो नए नए मुसलमान हुए थे इस वाक़े को सुनने के बाद नऊज़ु बिल्लाह इर्तिदाद का शिकार हो गए। काफिरों के पास मजाक करने का एक बेहतरीन मौका था। उन्होंने सोचा कि अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सबसे करीबी साथी, सबसे करीबी दोस्त, सबसे पहले मुसलमान होने वाले, अगर उनके सामने इस वाक़े का तज़किरा किया जाए तो शायद वो इसकी तकदीब कर देंगे।
इसको झुटला देंगे। जोश और खरोश के आलम में अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के पास आए। उन्होंने कहा कि ऐ अबू बकर, क्या तुमने सुना कि तुम्हारे साथी ने क्या कहा? अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने पूछा, सवाल किया कि मेरे साथी ने क्या कहा? काफिरों ने कहा कि उनका ये कहना है, वो ये कहते हैं कि रात के एक हिस्से में काबतुल्ला से बैतुल मक़दिस गए, वहाँ से सातों आसमानों की सैर की और रात ही के हिस्से में फिर दोबारा मक्का वापस चले आए। अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला उन्होंने एक सवाल किया, पूछा अव क़ाला ज़ालिक, क्या मेरे नबी ने, मेरे रसूल ने ऐसे कहा है? क्या उनके ज़बाने मुबारक से इस किस्म के अल्फाज अदा हुए हैं? काफिरों ने कहा नाम के हाँ, आपके नबी और आपके रसूल ने एक बात की। अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कहा, अगर ये अल्फाज, ये खबर मेरे नबी ने दी है तो मैं अपने नबी की बातों की तस्दीक करता हूँ, मैं उन्हें सच्चा समझता हूँ। इसको तो छोड़ दीजिए, इससे बड़ी बात में मैं उनकी तस्दीक करता हूँ। काफिरों ने सवाल किया, इससे बड़ी बात क्या हो सकती है? अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जवाब देते हैं, कहते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मैंने इस बात में तस्दीक की है कि आप कहते हैं कि चंद लम्हों में रब के पास से जिब्रील अमीन के जरिए नबी के पास वही आ जाती है। चंद लम्हों में, चंद सेकेंडों में अल्लाह के पास से जिब्रील अमीन वही लेकर आते हैं। अगर मैं इसकी तस्दीक करता हूँ, इसमें आपको सच्चा जानता हूँ, सच्चा समझता, तो इसमें कौन सी बड़ी बात है कि अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम की इस बात में तस्दीक न करो कि रात के हिस्से में आप बैतुल मक़दिस गए, वहाँ से सातों आसमानों की सैर की और फिर आप वापस चले आए। इसरा और मेराज के वाकये में तस्दीक की तो अल्लाह ने आपको सिद्दीक का लक़ब अता किया। प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिद्दीक का लफ्ज़ आपके लिए इस्तेमाल किया। गारे हिरा पर आप थे, उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु थे, उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु थे, अली इब्ने अबी तालिब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु थे। पहाड़ हरकत करने लगा, पहाड़ हिलने लगा, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि हिरा रुक जा। और बाद रिवायतों में है कि ये उहद का पहाड़ था। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने पैर को मारा, कहा रुक जा, ठहर जा, हरकत क्यों करता है, हिलता क्यों? तुझ पर एक नबी खड़ा है, एक सिद्दीक है और बकिया शोहदा है, बकिया शोहदा है, हरकत न कर, रुक जा। पहाड़ हरकत करना बंद कर देता है, हिलना खत्म हो जाता है। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने सिद्दीक का लक़ब अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के लिए इस्तेमाल किया। न सिर्फ आप सिद्दीक थे बल्कि सिद्दीका के बाप थे, सिद्दीका के वालिद थे। आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का ये लक़ब था। उलमाए उम्मत का इस पर इजमा है। आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का दूसरा लक़ब हबीबतु रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सबसे चहेती बीवी, आपको सबसे ज्यादा महबूब, सबसे ज्यादा प्यारी अम्र इब्न अल-आस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ग़ज़वे ज़ातुस सलासिल में अमीर मुकर्रर किया।
रईस बनाया अम्र इब्ने आस रज़ियल्लाहु तआला वापस आते हैं, प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल करते हैं, पूछते हैं कि आपके पास सबसे ज्यादा महबूब कौन है, आप सबसे ज्यादा किसको चाहते हैं, किससे मोहब्बत करते हैं। तो प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, आयशा मैं सबसे ज्यादा जिससे मोहब्बत करता हूं वो मेरी बीवी आयशा है, आयशा को सबसे ज्यादा मैं चाहता हूं, सबसे ज्यादा पसंद करता हूं। अम्र इब्न अल-आस रज़ियल्लाहु तआला उन्होंने सवाल किया, पूछा मर्दों में आप सबसे ज्यादा किसको पसंद करते हैं, आपको कौन ज्यादा महबूब है। प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, अबूहा आयशा के बाप अबू बकर मर्दों में मुझे सबसे ज्यादा महबूब है। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम की सबसे चहेती और रुआत ने जब भी उनके लिए नाम इस्तेमाल किया, नाम के इस्तेमाल के साथ साथ इस लकब का इस्तेमाल भी हुआ है, हबीबत रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सबसे ज्यादा प्यारी चहेती। और तीसरा लकब हुमैरा, खूबसूरत, जिसके अखलाक खूबसूरत हो, जो जाहिरी और बातिनी खूबसूरती से मुत्तसिक हो, उसके लिए अरब के लोग इस लकब का इस्तेमाल किया करते थे, हुमैरा। प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के लिए इस लकब का इस्तेमाल किया। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम सलाम के जमाने में कुछ हबशा के लोग ईद के मौके पर नेज़े और तलवारों के करतबबाजी मस्जिद में किया करते थे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, सवाल किया, या हुमैरा, ऐ हुमैरा क्या तुम इस खेल को देखना पसंद करोगी, तलवारबाजी नेजाबाजी देखना क्या तुम्हें महबूब है। आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु तआला उन्होंने जब इस बात में सर हिलाया, प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दरवाजे पर खड़े हो गए। आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु तआला अन्हा अपनी ठुड्डी आपकी गर्दन पर रखती हैं और खेल को देखने में मशगूल हो जाती हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काफ़ी देर खेल देखते हुए वक्त गुजर जाता है, वक्त बीतता है। आपने सवाल किया, पूछा कि आयशा मजीद देखना चाहोगी या बस करोगी। आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु तआला अन्हा ने कहा कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैं देखना चाहती हूँ, मजीद देखना चाहती हूँ। आपने ख्वाहिशात की तकमील के लिए खड़े हो गए, मजीद खेल देखने में मसरूफ रहे। आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु तआला अन्हा कहती है कि खेल देखकर मेरा जी भर गया था, मैं सिर्फ महज इसलिए खड़ी हो गई थी ताकि लोगों को दिखा सकूं कि प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिल में मेरे लिए कितनी मोहब्बत पाई जाती है, मेरा क्या मकाम है, मेरा क्या मर्तबा है, ये लोगों को दिखाना चाहती थी। इसीलिए मैंने तीन मर्तबा पूछने के बावजूद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा कि या रसूल अल्लाह मैं मजीद खेल देखना चाहती हूँ। चौथी मर्तबा आपने सवाल किया, पूछा तो कहा कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरा जी भर गया है। उसके बाद अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम सलाम दरवाजे से हटते हैं, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस बीवी उम्मुल मोमिनीन आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा की कुनियत उम्मे अब्दुल्लाह, उम्मे अब्दुल्लाह और कुनियत कहते हैं कि बाप अपना जो बड़ा लड़का होता है, माँ उसका जो बड़ा बेटा होता है, बड़ी जो बेटी होती है उसके नाम के साथ कुनियत का इस्तेमाल होता है, अबू अब्दुल्ला या उम्मे अब्दुल्ला। और कुनियत का इस्तेमाल इंतहाई मोहतरम तसव्वुर किया जाता है, किसी भी शख्सियत को हम कुनियत से
पुकारते हैं, कुनियत से आवाज देते हैं, कुनियत से निदा देते हैं, तो गोया कि हमने उसकी इज्जत की, उसकी तौकीर की। इसीलिए प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए लोग कुनियत का इस्तेमाल किया करते थे, अबुल कासिम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु तआला अन्हा की प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कोई औलाद नहीं थी। एक मरतबा उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु तआला अन्हा ने प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा कि मेरी जितनी हमजोलियां हैं, मेरी जितनी सहेलियां हैं, सारी सहेलियों की कोई ना कोई कुनियत है, लेकिन मेरी कोई कुनियत नहीं। मैं चाहती हूं कि मेरी भी कोई कुनियत हो जिससे लोग मुझे पुकारा करें, लोग खिताब करते हुए जिसका इस्तेमाल किया करें। मैं चाहती हूं कि मेरी भी कोई कुनियत हो। प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि आयशा, तुम अपनी बहन के लड़के अब्दुल्ला के नाम पर अपनी कुनियत में अब्दुल्ला रख लो। आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की बहन अस्मा बिन्त अबी बकर रज़ियल्लाहु ताला और उनके बेटे अब्दुल्ला बिन जुबैर रज़ियल्लाहु ताला, प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की दरख्वास्त पर कहा कि तुम अब्दुल्ला की कुनियत इख्तियार कर लो, और वैसे भी आप खाला। और अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने कहा अल खालतु बिमंजिलति उम, के खाला माँ का दर्जा रखती है। जो मकाम माँ का होता है, जो दर्जा माँ का होता है, जो मर्तबा माँ का होता है, वही दर्जा खाला का होता है। उम्मे अब्दुल्लाह रज़ियल्लाहु ताला अन्हा आपकी कुनियत थी। आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु ताला अन्हा वालिद अबू बकर एक कुनियत है। अबू बकर का नाम अब्दुल्ला, अबू बकर का नाम अब्दुल्ला, अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अपने नाम से ज्यादा कुनियत से मशहूर और मारूफ भी। और वालिदा का नाम उम्मे रुमान रज़ियल्लाहु ताला, और अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला के घराने को ये फजीलत हासिल है, ये मकाम, ये मर्तबा हासिल है कि अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के घराने के सारे लोग मुसलमान हो गए थे। अबू बकर के बाप अबू कुहाफा मुसलमान, खुद अबू बकर मुसलमान, आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की माँ उम्मे रुमान मुसलमान, उनके भाई मुसलमान। और आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की पैदाइश हुई, वो कहती हैं कि जब मेरी विलादत हुई, मैं पैदा हुई, तो मैंने पैदा होने के बाद जब मुझे होश आया, होश संभाला, तो मैंने अपने माँ बाप को, मैंने अपने दादा को, घर के सारे अफराद को इस्लाम पर पाया, सारे अफराद को मैंने मुसलमान देखा। वालिद मुसलमान थे, भाई मुसलमान थे और वालिदा मुसलमान थी। और अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के वालिद अबू कुहाफा वो कुछ ताखीर से मुसलमान होते, पूरा घराना मुसलमानों का। आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु ताला अन्हा पैदा हुई हिजरत से 9 साल पहले शव्वाल के महीने में आपकी पैदाइश, हिजरत से 9 साल पहले आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की विलादत हुई। बचपन के जमाने के कई वाकयात आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने बयान किए हैं। इन वाकयात में सबसे जो अहम वाकया है, खेल कूद इंतहाई पसंदीदा मशगला था, महबूब मशगला था खेलना, सहेलियों के साथ वक्त गुजारना, वक्त बिताना। आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु ताला अन्हा बयान करती हैं
हैं। वो फरमाती हैं कि मुझे खिलौने बहुत पसंद थे, मैं छोटी छोटी बच्चियों के खिलौने बनाती, उन खिलौनों से खेला करती थी, और कभी किसी खिलौने को दुल्हन की शक्ल दे दिया करती थी, किसी को दुल्हन बना देती और शादी रचा दिया करती थी, और साथ में झूला झूलना आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह तआला अन्हा का इंतहाई महबूब मशगला था, महबूब खेलता, बड़ा पसंद पसंदीदा खेल था आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के पास। प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम देखा करते शादी से पहले भी और शादी के बाद भी खेलती हुई आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह तआला अन्हा को आपने कभी मना नहीं किया, बल्कि शादी के बाद आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु ताला अन्हा अपना वाकिया बयान करते हुए फरमाती हैं, कहती हैं कि एक मर्तबा मैं अंसार की कुछ बच्चियों के साथ खेल रही थी, प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर में दाखिल हुए, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखकर अंसार की लड़कियां पर्दे के पीछे हो जाती हैं, डर और खौफ के मारे कहीं प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम डांट ना दें। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम आए, आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के खिलौनों को देखा, खिलौनों में एक घोड़ा नजर आया, घोड़े के दो पर थे, आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से सवाल किया, पूछा कि आयशा ये क्या है। आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती है, जवाब देती है कि ऐ अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये घोड़ा है। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने पूछा, घोड़ा तो बगैर पर के होता है, इसके तो दो दाएं और बाएं दो पर पाए जाते हैं। आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फौरन जवाब देती है, कहती है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या आपने सुलेमान अलैहिस्सलाम के घोड़े के बारे में नहीं सुना कि उसके भी दो पर पाए जाते थे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कुरा देते हैं और मुस्कुरा कर आप खामोश हो जाते हैं। उसके बाद अंसार की लड़कियों से कहा कि तुम आओ और आयशा के साथ खेल में मशगूल हो जाओ। सुभान अल्लाह, प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करीमाना अखलाक का आप मुलाहदा कीजिए कि कितने रहीम थे, कितने शफीक थे, बच्चों के जज्बात की कितनी रियायत करते, अपनी बीवी के जज्बात का आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कितना लिहाज किया करते थे। सलावातु रब्बी व सलामुहु व बरकातुहु अलैहि, ये अखलाक आज हमें अपने बच्चों के साथ, यही अखलाक आज हमें अपनी बीवियों के साथ, हमें अपने घर वालों के साथ इख्तियार करने की जरूरत है। बकिया जो बचपन की कुछ वाकियात हैं जिनका तज़किरा आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने किया है, इंशाअल्लाह अगले दर्स में मैं आपके सामने रखने की कोशिश करूँगा। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला तमाम को सहाबा और सहाबियात के तरीक़े को अपनाने की तौफीक अदा फरमाए। अल्लाह ताला जब तक जिंदा रखे ईमान और इस्लाम पर जिंदा रखे, मौत दे तो अल्लाह को ही और ईमान पर मौत अदा फरमाए। आमीन। वाखुदान अलहमदिल्ला रब्बिल आलमीन।